हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टेक्निकल निखिल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमरॉन और एसएफसोनिक 7 एम्पियर बैटरी के बारे में, जो आपके व्हीकल मोपेड गाड़ी में लगती है। तो उसी के बारे में सारी जानकारी मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, ये आपको कितने में आती है और इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है और आपको इसको मेंटेनेंस कैसे करना है, सारी जानकारी जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है दोस्तों, वीडियो को देखिए अंत तक। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मिलते रहे आपको इस लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं एमरॉन और एसएफसोनिक के मॉडल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये मॉडल 7 एम्पियर, तो आप देख सकते हैं एमरॉन में APBTX 7R, वही आप एसएफ में देख सकते हैं SQ1440 TZ7B, ये इसका मॉडल नंबर है। हम इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो एसएफ की एमआरपी प्राइस आपको आती है 1568, तो वही आप एमरॉन की प्राइस देखेंगे एमआरपी तो ये आती है 1497 में। और दोस्तों, मार्केट में आपको एमआरपी में नहीं मिलती, तो कुछ कम प्राइस में ही मिलती है। और दोस्तों, अगर आपके पास में पुरानी बैटरी है तो उसके आपके 100-150 रुपए माइनस हो जाते हैं, वो एज पर मार्केट स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से है। मार्केट में स्क्रैप वैल्यू दोस्तों 100 रुपए से 90-80-70 रुपए के हिसाब से रेट पर केजी शुरू रहता है। आपकी बैटरी 1 से 1.5 किलो की हो सकती है। अगर मान लीजिए 70 किलो इसका रेट शुरू है स्क्रैप का, तो 150-200 रुपए माइनस हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये 1250 से 1350 रुपए तक के, मतलब रिप्लेसमेंट करके नई बैटरी आपकी गाड़ी के लिए मिल सकती है। दोस्तों, ये कौन से गाड़ी में लगती है तो जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये लगती है बजाज डिस्कवर 150 ईयर्स, बजाज पल्सर 150, DTSI इलेक्ट्रिकल स्टार्ट, हीरो होंडा अचीवर ईयर्स, हीरो CBZ एक्सट्रीम, सुजुकी GS150R, हीरो यूनिकॉर्न 2009 से 2012 के मॉडल्स में ये लगते हैं। आप इंटरनेट में जाके देख सकते हैं कि ये कौन से व्हीकल में लगती है। दोस्तों, स्कूटी में भी ये बैटरी लगती है। दोस्तों, इसकी वारंटी क्या है? तो दोस्तों, इसकी वारंटी आती है 48 महीना, तो वही आप एमरॉन में देखते हैं तो इसकी भी वारंटी आती है 48 महीना। दोस्तों, ये वारंटी कैसे देती है? तो दोस्तों, ये होती है 24+24 महीना, दोनों की वारंटी एक जैसी है। तो दोस्तों, आपको इसका रिप्लेसमेंट मिलता है 24 महीने में। अगर आपके बैटरी को कुछ भी हो जाता है तो आपको 24 महीने में फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट मिलता है, और उसके बाद में आपको मिलता है प्रोडक्ट, मतलब 6-6 महीने का ये पीरियड रहता है। जैसे 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42 और 42 से 48, उसमें आपको मिलता है एमआरपी पे 50% डिस्काउंट। जैसे 24 से 30 महीने में कुछ हो गया, मतलब 25 से 30 महीने में, तो आपको मिलता है एमआरपी पे 50% डिस्काउंट। उसके 6 महीने के बाद में 30%, 20% और 25% ऐसा डिस्काउंट आपको मिलता है एमआरपी पे, मतलब ये 24 महीना कंप्लीट होने के बाद में। 24 महीने के अंदर आपको बैटरी कुछ होता है तो आपको फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट मिलता है। तो वैसे दोस्तों, इसकी वारंटी जितनी है उतनी आपकी बैटरी चलती है। दोस्तों, ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, ड्राई बैटरी है, इसमें वाटर लेवल डालने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसको अपने बैटरी में लगा लीजिए और जिसकी इतनी वारंटी है उससे ज्यादा ही लाइफ इसकी मिलती है। दोस्तों, आप दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हैं। आप कहां से परचेस करेंगे तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं, आप ये ले लीजिए। दोस्तों, ये आपको बैटरी परचेस करना है आपके नियरेस्ट डीलर से, और जो आपके पहचान में आप उससे परचेस करिए। जब भी आपको वारंटी में इश्यू आएगा तो आपको इजीली वारंटी दे सकता है। आपके पहचान का होने की वजह से आपको रिप्लेसमेंट करा देगा। 50-100 रुपए बचाने के चक्कर में आप कहीं दूर से बैटरी ले लेते हैं जो आपके पहचान का नहीं है, तो वो दोस्तों जब सेल्स आफ्टर सर्विस की बारी आती है तो आपको सर्विस इजीली नहीं दे पाता। तो वही अगर आप पहचान से लेते हैं, 50-100 रुपए ज्यादा जाएंगे तो वैसे भी दोस्तों ये बैटरी में ज्यादा मार्जिन नहीं रहती है। 50-100 रुपए ज्यादा गए तो भी चलता है, आप नियरेस्ट डीलर से परचेस कीजिए जो आपके एरिया में रहता है। और 4 साल की इसकी वारंटी है तो काफी लंबा समय हो जाता है, और इस बीच में आपके बैटरी में कुछ होता है तो आपको इजीली रिप्लेसमेंट दे सकता है। तो वही बात, आप दोस्तों अपने नियरेस्ट डीलर से परचेस करिए। तो दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ा कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, एमरॉन में इसमें 3 टाइप में आते हैं। जैसे ये दोस्तों बीटा सीरीज, आप देख सकते हैं बीटा सीरीज की बैटरी है। इसमें अल्फा, बीटा और गैमा 3 सीरीज के रहते हैं। अल्फा में 60 मंथ की वारंटी आती है, मतलब 30+30 वारंटी। ये है बीटा सीरीज, इसमें 48 महीने की आती है, मतलब 24+24। और इसमें आती है गैमा सीरीज, वो 36 महीने की होती है, 18+18 महीने की वारंटी आती है। इसमें दोस्तों, इसमें यही रेंज है, इसमें 48 महीने की वारंटी है एसएफ में, 24+24 इसका वारंटी है। बैटरी लगाने से पहले दोस्तों आप कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लीजिए। इसमें जहाँ पे नमी जैसे जगह है, पानी वाली जगह में इसको ना रखे। बैटरी लगाते समय इसको प्रॉपर सीधा खड़ा रखिए, इसको कभी भी फेंके ना। और साथ ही दोस्तों, इसको जैसे फायर जैसे जगह होगी उससे दूर रखिए, छोटे बच्चों से इसको दूर रखिए। दोस्तों, दोनों में से कोई भी बैटरी परचेस कर सकते हैं, भले आप देख लीजिए कि सेल्स आफ्टर सर्विस आपको कौन देगा। आप ये लीजिए, दोनों में प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं है, आपको 50 रुपए का डिफरेंस मिल सकता है।
अगर 1300 रुपए की बैटरी मिलेगी तो आपको एमरॉन 1250 की मिल सकती है, लगभग इक्विवेलेंट प्राइस है दोनों का, तो दोनों में से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं। बैटरी परचेस करने के बाद में आप सिर्फ ये देखिए कि आपको सर्विस कैसे मिलती है, दोनों बैटरी अच्छी लाइफ देती है, दोनों बैटरी बेस्ट बैटरी है, आप दोनों भी परचेस कर सकते हैं। बस आप देखिए कि सर्विस आपको कौन बेस्ट देगा, उस हिसाब से बैटरी परचेस करिए। दोस्तों और एक बात जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, एसएफ सोनिक के बारे में काफी लोगों को पता है, पर काफी लोग भी ऐसे जिनको एसएफ सोनिक के बारे में नहीं पता। एसएफ सोनिक दोस्तों ये एक्साइड का ही ब्रांड है, एक्साइड का ये काफी मतलब पुराना ब्रांड है, जैसे एक्साइड में डायनेक्स एक ब्रांड है, ईएल रेंज भी आती है, और एसएफ सोनिक ये एक्साइड का ब्रांड है, मतलब एक्साइड की जितनी पॉलिसी है एसएफ सोनिक के साथ भी लागू होती है। एसएफ सोनिक तो दोस्तों एक्साइड थोड़ी महंगी है, एसएफ सोनिक थोड़ी सस्ती है कंपेयर टू एक्साइड, तो उसी की वजह से आप दोस्तों एक्साइड परचेस करते हैं तो आप एसएफ सोनिक परचेस कर सकते हैं। मतलब जिनको डाउट है कि एसएफ सोनिक कौन सा बैटरी है तो मैं आपको बता दूं, एसएफ सोनिक एक्साइड का ब्रांड है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। तो दोनों बैटरी के बारे में बात करेंगे तो हैंग क्रैंकिंग पावर इसमें देता है, मेंटेनेंस फ्री ड्राई बैटरी है, लॉन्ग लाइफ चलती है, दोनों फैक्ट्री चार्ज है, इसको आपने पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई सवाल जवाब होगा क्वेश्चन करिए, हंसते रहिए खुश रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में।